मुजफ्फरनगर के एक भाई का प्रश्न आया है कि बुद्ध में और प्रबुद्ध में क्या अंतर होता है। बुद्ध जो हम बोलते हैं या दुनिया में जो बुद्ध बोला जाता है, बुद्ध का मतलब है बोधि, धम्म और सिद्ध, कोई व्यक्ति या कोई महिला। अगर बोधि, धम्म और सिद्ध ये तीन चीज़ प्राप्त कर लेती है तो उसकी उपाधि, उसकी डिग्री, उसकी मान्यता बुद्ध के नाम से जानी जाती है। बोधि क्या है? बोधि बोलते हैं उस हाईएस्ट, सबसे ऊंचे, उच्चतम प्राकृतिक नेचुरल नॉलेज को, ज्ञान को, प्रज्ञा को, समझ को, जो अनुभूतियों पर उतरती है और जिसके बारे में मनुष्य अपने आप जानता है और महसूस करता है, उसको बोधि बोलते हैं। बोधि में जो व्यक्ति बोधि प्राप्त करता है उसको पारागामी यानी कि पार का गमन, यानी बियॉन्ड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर का और शरीर के बाहर का लगभग सारा ज्ञान उसे प्राप्त होता है, जो नेचुरल प्रोसेस में उसे मिलता है। धम्म प्राकृतिक बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट नॉलेज, और धम्म मतलब प्राकृतिक, और सिद्ध माने होता है जो उसको सफल कर दे, जो उसको सक्सेस कर दे, जो उसको गेन कर ले, जो प्राप्त कर ले। ऐसा व्यक्ति जो भी होगा दुनिया में, जो पहले भी हुए हैं या जो आगे भी होंगे, उनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ना कहें, कुछ और नाम भी दे सकते हैं, मगर पुरानी भाषा पाली में इस हाईएस्ट ऑनर को, इस हाईएस्ट नॉलेज को जो गेन करता था उसको बुद्ध बोलते थे। दुनिया में इसको किसी और नाम से भी बोला जा सकता है, कंडीशन यही रहेगी। प्रबुद्ध या प्रबुद्ध, प्रबुद्ध पाली में पुरानी जो भाषा है, पाली प्राकृतिक मागधी भाषा है, उसमें प्रबुद्ध बोलते हैं, और बाद में जब संस्कृत बनी तो उसको प्रबुद्ध कर दिया। प्रबुद्ध का मतलब होता है, प्रबुद्ध का मतलब होता है अवेकन, जागा हुआ, यानी जागा हुआ जो होगा, जो 24 घंटे विजिल रहता है, जिसको 24 घंटे ये पता रहता है कि अब उसके शरीर के साथ क्या घट रहा है, ये खाने से क्या हुआ, ये बातचीत करने से मेरे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ा, इसने किसी ने मुझे कुछ कहा था उसका क्या फ़र्क मैंने शरीर पर देखा, उसकी क्या अनुभूति आई, उसकी क्या सेंसर्स आए, क्या उसकी फीलिंग आई, मेरे सेंसेस कैसे वर्क करते हैं, जो 24 घंटे विजिल रहता है उसको प्रबुद्ध बोलते हैं। वो लगभग अवेकंड यानी जागृत होता है, उसे सारी दुनिया की घटनाओं का पता रहता है। इसलिए प्रबुद्ध और बुद्ध में ये साधारण सा अंतर है। प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, प्रबुद्ध का मतलब है कि हर एक व्यक्ति भारत का नॉलेजेबल होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए, और अपनी जरूरतों को, अपनी चीज़ों को, अपने आसपास के वातावरणों को महसूस करने वाला होना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, क्योंकि प्रबुद्ध का अक्षर ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। पुराने समय में, पाली के समय में, जब बुद्ध ने ये ज्ञान प्राप्त किया और सारे जो आसपास के लोग थे उनको प्रबुद्ध किया, तब अक्षर ज्ञान भारत में नहीं था, अक्षर बने भी नहीं थे, भाषा सिर्फ हम बोलने के लिए होती थी, भाषा की अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं होती थी, ना ही किसी पत्ते पे, ना ही किसी दीवार पे, ना ही किसी पत्थर पे, कहीं अक्षर कोई नहीं बना था। इसलिए प्रबुद्ध होने का मतलब है कि आप जागृत रहें, समझदार रहें, देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें, अपनी अनुभूति के आधार पे, अपने चिंतन के आधार पे, और दुनिया को देखने, सोचने की सामर्थ्य मिले। धन्यवाद।